हमेशा समझदार आदमी किसी को भी जो कुछ कर रहा एकदम से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं। देखो जी, ज्यादा कुछ नहीं है, पब्लिक है जो, वो मीडिया की जो आवाज है उसने नहीं रोक सकती, क्योंकि मीडिया ने अगर रोक देगी जो पब्लिक है तो आगे आने वाले वाले टाइम में या जो ईब कोई भी घटना घट रहा है इस तरह आते वह लोग गाती पहुंचेगी किस तरह, ना तो पब्लिक के पास कोई किसी भी जो भी आदमी उसके पास कोई जो है अथॉरिटी है भाई मीडिया की जो आवाज है उसने रोक सके, बाकी उसने जो भी कही है या उस तक कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया ने, क्योंकि मीडिया अपना काम जो मतलब अपने काम को रोक रहे हैं तो उन्हें फिर अपना माइक है ना, वो जिस तरह पहले अनुकार दे बनिया ना बोला पीले बाट हो गए खुंटी का टैंक दो, तो अपना माइक ना खुंटी का टैंक दियो। देखो सर, मैं बताऊँ आपने, ये फिलहाल तो हमारी जान के लाले पड़ रहे हैं, गांव का यूथ इकट्ठा होके आया हमारे घर, उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आप एक एपिसोड करो। 3-4 दिन पहले हमने उस नाटक की शूटिंग के लिए, क्योंकि मैं दूसरी लोकेशन नहीं लेता, या तो मेरा घर होता है या खेत होता है या कोई जो मेरा रिश्तेदार होता है उसके लोकेशन पे जाता हूँ मैं। हमारे खेत में शूटिंग चल रही थी, टाइटल वही था जो गांव के यूथ ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहाँ पे हमारे गांव के कुछ मतलब मैं उनको चरित्रहीन व्यक्ति कहूँगा, जो चरित्रहीन व्यक्ति थे, क्योंकि समझदार आदमी पहले एकदम से गाली नहीं बकेगा, जिस आदमी का चरित्र अच्छा होगा वो पहले बात पूछेगा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हमेशा समझदार आदमी किसी को भी जो कुछ कर रहा एकदम से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। हमारा मतलब गाड़ी का कोई स्टंट था, लेकिन जो चरित्रहीन व्यक्ति थे उन लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति की गाड़ी तोड़ेंगे ये करेंगे, और वहाँ पे हल्ला गुल्ला हो गया। और उसके बाद फिर एक खेतीबाड़ी चैनल का साथी भी आया हुआ था संदीप चाड़ुआ जी, वो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से गांव में परले बस स्टैंड, 2 बस स्टैंड हमारे गांव में, हमारे से अगला जो बस स्टैंड वहाँ पर गया, और वहाँ से गए एक रिटायर्ड फौजी की वीडियो आई कि उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारे गांव में कोई भी यूट्यूबर या जो मैं ये कहूं कि जो जनता की आवाज़ को उठा रहा है उसको गांव में नहीं घुसना दिया जाएगा। मैं रिटायर्ड फौजी हूं, मैंने बोला कि अब खाप पंचायत के प्रधान डट्टा में फ़ोन कर दिया है। तो देखो जी, ज्यादा कुछ नहीं है, पब्लिक है जो, वो मीडिया की जो आवाज है उसने नहीं रोक सकती, क्योंकि मीडिया ने अगर रोक देगी जो पब्लिक है तो आगे आने वाले वाले टाइम में या जो ईब कोई भी घटना घट रहा है इस तरह आते वह लोग गाती पहुंचेगी किस तरह, ना तो पब्लिक के पास कोई किसी भी जो भी आदमी उसके पास कोई जो है अथॉरिटी है भाई मीडिया की जो आवाज़ है उसने रोक सके, बाकी उसने जो भी कही है या उस तक कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया ने, क्योंकि मीडिया अपना काम करेगी। और अगर इस तरह ये फौजी आएंगे वीडियो को सुन के जो मतलब अपने काम को रोक रहे हैं, तो उन्हें फिर अपना माइक है ना, वो जिस तरह पहले अनुकार दे बनिया ना बोला पीले बाट हो गए खुंटी का टैंक दो, तो अपना माइक ना खुंटी का टैंक दियो। अगर आपने बीड़ा उठा रखा तो जब तक इस पूरे मैटर का सॉल्यूशन नहीं हो जाता, मीडिया कर्मी कितना रिस्क लेते हैं, यहाँ तो इतना रिस्क है ही नहीं, मीडिया कर्मी तो वहाँ भी पहुँचते हैं जहाँ पे धड़ाधड़ गोलियाँ चलती हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एक मेरे घर पे जितने भी साथी आ रहे हैं मीडिया कर्मी आ रहे हैं वो आते रहेंगे, और मीडिया कर्मी जो सुन रहे हैं उनको मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप ऐसे लोगों के कहने से आना बंद कर रहे हैं तो आप कभी भी मतलब एक सफल इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि आपका काम भी रिस्क लेना है, और जो आदमी रिस्क लेगा वही आदमी सफल होगा। चलो ठीक है भाई साहब, ये मास्टर जी का जो था हम आज इसलिए आए थे क्योंकि इनकी कोर्ट में जो पेशी थी तारीख थी उसके ऊपर हमने जानना था कि आखिर का जो आगे का मसला है वो के रहा है। और भाई मेनली तो फोकस करें हमने मास्टर जी के थारे कति आगे पूछिए, जो आगे की आने वाली वीडियो है वे थोड़ी पारिवारिक आऊँगी और जो लड़कियाँ के ऊपर आऊँगी। तो भाई जितने भी हरियाणा में लोग देखने वाले भाई है सारे भाई इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।
सारे भाई जय जय भारत।